अल्लाह रहमान रहीम प्रॉपर्टीफाई डीलिंग के प्लेटफॉर्म से एसएल साकिब डॉट डीएल व्यूवर्स, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं बहुत मशहूर हूँ बीएसएम का। एक लास्ट में मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने रिक्वेस्ट की थी फेज़ टू के हवाले से, और इंशाल्लाह उसी की गुड न्यूज़ है इस वीडियो में कि आज फेज़ टू के मेन गेट के ऊपर काम होने जा रहा है, जो बहुत खुशाइन बात है। और सेकंड ये है कि इसकी डेवलपमेंट ईद के फौरन बाद स्टार्ट होने जा रही है। न्यू मेट्रो सिटी में खारिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके पास ये सुनहरी मौका है कि इस टाइम ये जो शॉर्ट सा पीरियड है, यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें और जितनी भी चीज़ वो होल्ड कर सकते हैं वो होल्ड कर लें। इंशाल्लाह जैसे ही ये रोड ब्लैक टॉप होगा तो उसके बाद फौरन, आप भी जानते हैं कि रेट्स जो हैं वो एकदम बूम पकड़ते हैं, क्योंकि ये एक ही एक्सटेंशन कह लें या फेज़ टू का ब्लॉक वन जीटी रोड के पास कह लें, इसकी एक अपनी अहमियत थी। गेट का थोड़ा सा इशू था, वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुका है, और इसी वाले से इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट ये भी हम इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि न्यू मेट्रो सिटी खारिया में आपको किसी भी किस्म की कोई प्लॉट हो, इंक्वायरी हो, घर बनाना चाहते हो या फिर आपकी प्रॉपर्टी को मैनेजमेंट करवाना चाहते हो तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। सेकेंडली ये है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे इसरार ये भी कर रहे थे कि एसन भाई, आप न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से जो अभी पीछे बैक एंड पे आईफिल की बैक के ऊपर जो फाइल, जो डिस्प्यूट था आपस में ग्रैंड सिटी और न्यू मेट्रो सिटी का, उसमें जिनकी फाइल्स आ गई हैं उस हवाले से हमें कोई अपडेट नहीं मिल रही, हमें उस हवाले से अपडेट लेके दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बनाऊँगा और उसमें आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दूँगा कि आपको अब क्या करना चाहिए। और थर्ड वन था कि जो आईफल ब्लॉक में आपके 5 और 7 मरला के प्लॉट्स हैं उनके हवाले से मुझे यूएसए से, फ्रांस से और डिफरेंट कंट्री से मेरे साथ क्लाइंट्स रबते में हैं, जो बोल रहे हैं कि हमें 40% 30% की ऑफर हो रही है, एहसन भाई हम अब क्या करें। तो आपको बेस्ट मशवरा यह है कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट पूरी करें और इंशाल्लाह कंपनी अपने दिए गए वादे, आईफल को लॉन्च किए हुए भी इनको 1.5 से 2.5 साल हुआ है, ठीक है। तो आईफल का अपने प्लान था 3 साल का, 3 साल बाद न्यू मेट्रो सिटी ने अपनी हर कमिटमेंट पूरी की है सलंगीर की डेवलपमेंट के ऊपर। इनका कोई दूसरा इनके पास ऑप्शन नहीं है, ये डेवलपमेंट करते हैं और टाइम से पहले करते हैं। ये बिलाल साहब का पहले दिन से एक स्लोगन था जिसके ऊपर न्यू मेट्रो सिटी ने अपना बहुत शॉर्ट पीरियड में अपना बहुत अच्छा नाम बनाया। तो उस हवाले से इंशाल्लाह मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट पूरी करें और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको प्लॉट भी अलॉट किए जाएंगे और उसी लोकेशन के ऊपर जो आपको प्लॉट मिले हुए हैं वही लोकेशन के ऊपर आपको प्लॉट मिलेंगे। तो मज़ीद आपने कोई भी क्वेश्चन ना हो तो आप हमें कमेंट्स करें या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप रब्ता करें ताकि हम उसके मतलब आपको परफेक्टली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। तो मोस्टली आज मेरा जो बिग एम था वो ये था कि फेज़ टू के हवाले से जो हमें खुशखबरी मिली है वो हम अपने तक नहीं रख रहे, हम अपने क्लाइंट्स को ये दे रहे हैं कि फेज़ टू के मेन गेट के ऊपर काम जारी होने लगा है, ईद के फौरन बाद ये रोड्स ब्लैक टॉप कर दी जाएंगी और इंशाल्लाह फिर पोजेशन भी अनाउंस कर दी जाएगी। ये बहुत ही खुशाइन बात है। बीएसएम आप सब जानते हैं कि न्यू मेट्रो सिटी लाहौर में इस टाइम सारा बिजी थे जिसकी वजह से थोड़ी सी यहाँ पर डिले हुई, लेकिन कोई नहीं, देर से आए दुरुस्त आए अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।